अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों 2NR एप्लीकेशन में, दोस्तों 2NR एप्लीकेशन का जो सिग्नल का मसला है और OTP का मसला है और बहुत बहुत से मसले हैं, वो सारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। और डाउनलोड लिंक जो है दोस्तों को नहीं मिलता, और डाउनलोड भी कैसे करें, वीडियो को शुरू से लगने देंगे, कोई भी चीज़ स्किप ना करें, तो सारा कुछ इंशाल्लाह आप दोस्तों को लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2NR एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों, आपके सामने यहाँ से सिग्नल मैं दिखाऊंगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन आई है, वो वाला मसला नहीं है जो पहले था, लेकिन ये एक दूसरा है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखें, ये सिग्नल जो है बिल्कुल ही रेड है, ग्रीन नहीं हो रहा। थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ, यूअर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करता हूँ। देखें, रजिस्ट्रेशन फीलड फॉरवर्डन जो भी है, अब ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे करके देखते हैं थोड़ी देर में कि ये ठीक होती है या नहीं। अगर ठीक होगी तो ठीक, अगर नहीं होती ना तो अच्छा। दोस्तों, अब ओल्ड वर्जन का जिस मोबाइल भाई के पास मोबाइल में चलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओल्ड वर्जन का मैं लिंक दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट करें तो उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। आपको यहाँ से थ्री पर क्लिक, क्लोज एप्लीकेशन पर क्लिक करना और एप्लीकेशन का क्लियर डेटा करना है। दोस्तों, क्लियर डेटा करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आने फिर 2NR एप्लीकेशन को ओपन करना है, अलाउ पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है, फिर से जो जो इशू है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आप भाइयों को क्या क्या इशू आता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से थोड़ी सी लेट लेगा, बाज़ का नहीं भी लेगा, मेरे इंटरनेट कनेक्शन का है ये मसला। देखते हैं दोस्तों क्या होता है आगे। अच्छा, अब अगर ऐसे भी आ रहा है तो ऐसे करके फिर इस पर क्लिक करें, 2NR पर देखें, स्किप दिस प्रेजेंटेशन पर क्लिक करें, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक, उसके बाद स्क्रीन के किसी से भी टच करें, ठीक है ना दोस्तों। ये क्रैश हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर से इसको ओपन करते हैं। क्रैश हो जा रही है, ये मसला भी ठीक हो ही जाएगा, आप टेंशन ना लें। इसमें आपका अगर सिग्नल देखें जो है वो जो ग्रीन हो गया है, आपके सामने सिग्नल ग्रीन हो गया है। मैंने क्लियर डेटा करके किया, आपके सामने हो गया। योर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, अब देखें रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो गई है। अब थ्री लाइन पे क्लिक करें, आगे ऐसे हैं तो थोड़ी देर में यहाँ से नंबर भी आपके सामने शो हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करें, अगर आपके पास सिग्नल इस तरह से ठीक नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आधा घंटा, घंटा में भी हो सकता है, 10 मिनट भी, 5 मिनट भी, आपका सिग्नल ठीक हो सकता है। इसका एक ही सोल्यूशन जो आपको मैंने वन वे आपको करके दिखाया, अब इसको डाउनलोड कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा, इससे नंबर कैसे मिलेगा, OTP कैसे मिलेगी, सारा कुछ बताऊंगा। इसको मैं एक बार क्लियरलेस हटाऊंगा और फिर से ओपन करूंगा। दोस्तों, सिग्नल तो ठीक है, जो इसका मसला है अभी नंबर नहीं शो हो रहे हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा सा वेट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वर्म भी हो रही। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए अभी प्रॉब्लम लिख रही आ रही है, थोड़ी देर पहले मेरे पास नंबर भी शो हुआ, आप देखिए वीडियो मैंने कब स्टॉप किया और कब को वीडियो को ओपन किया। तो फिर थ्री लाइन पे इस पर क्लिक करें, रिफ्रेश वाली जगह पे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों। बाद में ना कहिएगा यार आप मतलब वीडियो स्किप करें, हमें समझ नहीं आई। दोस्तों, बाद का ये स्किप करनी पड़ती, क्योंकि ज़्यादा अर्सा के लिए वीडियो बना दूँ तो 10-15 मिनट की तो आपको देखेंगे भी नहीं, तो इसलिए यार मैं जो कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए कर रहा हूँ। देखो प्रॉब्लम लिखा आ रहा है, ऐसे थ्री लाइन पर क्लिक करें, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से प्रॉब्लम फिर से, अब यहाँ से ऐसे इसको करना है और नंबर शो हो जाएंगे। दोस्तों, वेट करते हैं, देखते हैं हमारे पास नंबर शो होते हैं या नहीं होते। यूअर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करता हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है बिल्कुल। अब देखिए नंबर शो हो गया, अब मैं नंबर को करता हूँ चेकआउट। देखिए दोस्तों, नंबर व्हाट्सएप के लिए वैलिड है या नहीं है ये तो अब पता चलेगा, व्हाट्सएप में देख के देखेंगे। अब दोस्तों, व्हाट्सएप में आता हूँ मैं, एग्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से 48 लिख देता हूँ। दोस्तों, इसका एक और भी हाल बताऊँगा, अगर आपके पास ग्रीन सिग्नल में अलग अलग में मसला आ रहा है, 308 वाला बिल्कुल नंबर वैलिड है तो 058 वाला ये तो चेंज हो गया भाई, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिफ्रेश वाले लगा जगह पे क्लिक किया, इंटरनेट पर हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत ही लो है, इस वजह से फिर मसला ही आ जाता है भाई, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको नंबर को चेकआउट करते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर भी सारे वैलिड ही दे रही है, तो क्या करते हैं, सेव दिस नंबर पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट दिस नंबर। अब यहाँ से रिकैप्चर फिल करना है। अभी ग्रीन सिग्नल जो है इसका दो टाइप आए हैं दोस्तों, अगर आपके पास ग्रीन नहीं हो रहा वेट करने के बाद भी तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊँगा। वीडियो स्किप करोगे तो आपको नहीं समझ मिलेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा वेट करें, देखिए दोस्तों यहाँ से नीचे नंबर शो नहीं हुआ, हो गया ना भाई,
थोड़ा सा वेट करने के बाद शो हो जाता है। अब आपने क्या करना है, कोई कुछ नहीं करना और इसको ओके पे डायरेक्ट क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने सीधी टाइमिंग चलेगी, आपको ईजिली जो है OTP रिसीव हो जाएगी। अगर OTP रिसीव नहीं होती SMS से तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब 3 ऐसे मैसेज पे आया, देखें OTP मुझे मिल गई है, अभी शो नहीं हो रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये आगे भाई आपके देख सकते हैं OTP आ गई है। अभी आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। अब इसका ग्रीन सिग्नल के साथ बहुत सा ताल्लुक है, ये बात याद रखिएगा। फिर ना कहिएगा कि आप लोगों ने बताया नहीं है मुझे। अब इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसमें मैं पुलैंड का सर्वर जो है कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने आ जा के नंबर की OTP पुट करनी है। OTP पुट करने के बाद दोस्तों अगर आपका सिग्नल ग्रीन नहीं हो रहा तो इस एप्लीकेशन में आपने कौन सा सर्वर कनेक्ट करना है और आपका सर्वर जो ग्रीन होगा सिग्नल, तो भाई आपको यहाँ से USA की प्रॉक्सी सेलेक्ट करनी होगी। अगर अदरवाइज़ अगर ना हो रहा हो तो, लेकिन आपने बेटर वही है जैसे मैंने करना सिखाया कि क्लियर डेटा करें इधर जाएँ उधर, ऐसे ही आपका काम बनेगा बेटर आपके लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो तो पसंद आई होगी। चलो दोस्तों मैं OTP लेके लगा के दिखाता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा कनेक्ट होने देते हैं। दोस्तों कनेक्ट हो गया, अब मैं चलता हूँ। OTP क्या है, 7986 से क्या देख लेते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं 686, ठीक है। अब ये OTP लगाता हूँ मैं, आपके सामने मेरा नंबर जो है ईजिली लग जाएगा। आपके साथ भी इशू आ सकता है कोई ना कोई, तो मुझे बताइएगा आपके पास कौन सा इशू आ रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो वीडियो है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो डाउनलोड लिंक कैसे करना है वो भी अच्छा आप दोस्तों को मैं समझा दूँ के बाद में ना कहेगा कि आपको समझ नहीं आई। दोस्तों थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर स्किप पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना नाम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इसका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपको कोई बैन वगैरह का इशू आए तो दोस्तों आप दोबारा अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि 2NR आपको बहुत ही अनलिमिटेड नंबर दे रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो इसको गई बन, व्हाट्सएप में आपको शो भी करा दूं। बाद में ना कहिएगा दोस्तों कि ये नंबर देखिए, 2 स्टेप आप लोग नहीं करके रखोगे तो आपका ऐसा होगा ये नंबर पहले किसी का लगा हुआ है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ग्रेट थिंग्स ऑफिशियल, आपके सामने ही मैंने नंबर लगाया है। अभी नंबर दे रही है 2NR जो भी दे रही है, वैलिड दे रही है आपके सामने। तो बाद में ना कहेगा यार आपने कोई मुझे बताया नहीं है, ये है वो है। अब दोस्तों जैसे प्ले स्टोर पे आएंगे, आपने यहाँ से सर्च करना है प्ले स्टोर, कितने यार आगे प्ले स्टोर। अब यहाँ से आपने सर्च करना है और लगाना है 2NR जो भी है। मैंने आपको सच बताया जो है, ये नहीं है कि फेक वीडियो बना देता आप फिर कहते। दोस्तों आपने, आपके पास अगर शो नहीं होती, आपने इस एप्लीकेशन में कोई सर्वर USA का ये सर्वर या ये सर्वर कनेक्ट कर देना, उसके बाद आपने आना है प्ले स्टोर में। दोस्तों प्ले स्टोर का आपने क्लियर डेटा करना होता है, सॉरी मोबाइल की सेटिंग में आए, मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपने दोस्तों आना है अपने ऐप्स में। तो इधर अब मेरे ऐप्स कहाँ पे हैं भाई, इधर तो शो नहीं हो रहे भाई, कहाँ चले गए। ये रहा ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करें, ऐप लिस्ट पे क्लिक करें। आपका मोबाइल में कोई भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। तो अपना प्ले स्टोर को ढूंढ के क्लियर डेटा करना है, ये रहा प्ले स्टोर, उसका स्टोरेज पे जाके क्लियर डेटा कर देना। उसके बाद आपको सर्वर कनेक्ट होना चाहिए, सर्वर कनेक्ट करने के बाद आप प्ले स्टोर ओपन करोगे तो इजीली आपके सामने 2NR आ जाएगी। दोस्तों इसका मैं डाउनलोड लिंक भी आपको दे दूँगा। दोस्तों कोई भी चीज़ समझना है, कोई भी चीज़ इशू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाई है मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी लीगल मकसद को सपोर्ट नहीं करती। 2NR का जो मसला है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको 99% आपका सॉल्व हो जाएगा, आपके पास कोई इशू नहीं आएगा। दोस्तों अभी जो सिग्नल देखें भाई, क्योंकि ऊपर मेरा पास सर्वर कनेक्ट है, अगर आपने सर्वर USA से करना है तो करेंगे तभी आपका सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटर है कि आप सर्वर के बगैर ही काम करें, ठीक है ना, सर्वर के बगैर ही काम करें। जैसे मैंने आपके सामने सिग्नल को रेड था उसके सामने ग्रीन लेके आया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।